नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सी के न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। बकरा ईद और कावड़ यात्रा के मद्देनज़र सिविल लाइन थाना क्षेत्र और नगर कोतवाली क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ जिला प्रशासन ने मीटिंग की और लोगों की समस्याएं सुनी। एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय, नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, सीओ सिटी कुलदीप सिंह, नगर कोतवाल आनंद देव मिश्रा, सिविल लाइन थाना प्रभारी संतोष त्यागी, ईओ नगर पालिका हेमराज सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में सैकड़ों की संख्या में शहर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे और आ रही समस्याओं से आला अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान आला अधिकारियों ने सभी लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वे उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान समस्याओं की लाइन लगी रही और लोगों ने साफ सफाई अभियान की भी पोल खोली। इस दौरान ईओ नगर पालिका सभी मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। बिजली, पानी और साफ सफाई की बिगड़ी व्यवस्था की सभी ने शिकायत की। मीटिंग के दौरान एसपी सिटी विजय वर्गीय ने सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही एसपी सिटी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर चलने वाले सभी संदेशों पर ध्यान रखने की बात कही। लेकिन मीटिंग के अंत में सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने सभी को कहा कि किसी का नंबर उठे ना उठे, हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबका नंबर उठेगा। तभी भीड़ में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप सबका नंबर हमेशा उठता है लेकिन ईओ नगर पालिका का फ़ोन नहीं उठता। जो अधिकारी क्षेत्र के लोगों का फ़ोन भी ना सुने, वह लोगों की समस्या क्या सुनेगा। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चौगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बकरा ईद को लेकर मीटिंग की गई है, किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आई? ये आज थाने सिविल लाइन में जो सिटी एरिया के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन सब की आज मीटिंग की गई है। जो आगामी त्यौहार हैं, जो कांवड़ है और जो बकरी ईद का त्यौहार है, उस संबंध में मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में लोगों ने अपने समस्याएं भी बताई हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो और अवशेष के डिस्पोजल के संबंधित हो। यहाँ संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे, ईओ भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट भी थे, बिजली विभाग के भी थे और पानी जो जल विभाग से भी थे। सभी को भी बता दिया गया है इन समस्याओं के बारे में भी और सभी लोग इसके प्रति सेंसिटिव भी हैं। अगले 2-3 दिन में जो ये समस्या है इनका निराकरण करा दिया जाएगा और जो भी त्यौहार है वो पूरा अच्छे तरीके से सभी अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। सर, बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत की है ईओ साहब और बिजली वाले फ़ोन नहीं उठाते, क्यों ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई? ये जो यहाँ ईओ भी मौजूद थे और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, उन लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। उनको बता भी दिया गया है कि वो कोई भी समस्या अगर ऐसी आती है, कोई भी इमरजेंसी में अगर कोई फ़ोन आता है तो उसको त्वरित अटेंड करेंगे और उनके समस्या का निस्तारण कराएंगे।